नमस्कार दोस्तों, ये है इस सीरीज का फिफ्थ वीडियो जो है ओहम्स लॉ के ऊपर। अब पहले ही ओहम्स लॉ को जस्ट डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले जो बोलते हैं कि ओहम्स लॉ क्या है, तो जस्ट लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम जान लेते हैं ओहम्स लॉ किस चीज पे बेस्ड है। तो ओहम्स लॉ बेस्ड है एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और उसके थ्रू करंट का जो रिलेशन है उसके ऊपर, एक कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और उसके थ्रू जो करंट है उनके रिलेशन के ऊपर। अब पहले लॉ को ना बोलते हुए हम जस्ट डिराइव करते हैं लॉ है क्या। ठीक, तो पहली बात वोल्टेज, तो पहले हमें वोल्टेज और करंट को एक इक्वेशन में लाना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि उनका रिलेशन है क्या। ठीक, तो पिछले जो चार वीडियो हमने देखे हैं वहां पे हमने क्या क्या चीजें जानी है, तो हमने पहली जो चीज जानी है वो है ये, VD इज इक्वल टू E बाय M इंटू टाओ, ये हमने पढ़ा है, जिसमें VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें पता है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज कहां से आई है। ठीक है, तो अभी जो ई है, अब हमें चाहिए वोल्टेज और हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन क्या है। तो सोचिए कि ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसका लेंथ है L, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो है V। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू E इंटू L, ये पता है, तो V इक्वल टू E इंटू L, तो E इक्वल्स टू V बाई L। ठीक, तो अब अगर हम E की जगह ये चीज लिखे तो VD इक्वल टू E V बाई M L इंटू टाउ। अब आप लोग बोलेंगे हमने E को इस डायरेक्शन में क्यों लिया, हम तो E को ऐसे भी ले सकते थे। तो हम नॉर्मली यहां पे वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि V और E दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये बात तो सच है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो उनमें जो रिलेशन हम एक्सप्रेस करेंगे वह हमें वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, तो हम बस स्केलर के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम ये आइडिया कर ले रहे हैं कि जो चार्ज है वो इस एरिया के साथ, ये जो एरिया है इसके साथ परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। असल में E इस तरफ है तो चार्ज को इस तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ मूव करना चाहिए, बट सोचते कि करंट इस तरफ है। ठीक है, E जिस तरफ है करंट उस तरफ फ्लो कर रहा है और वो परपेंडिकुलर है इस एरिया के साथ, अगर नहीं होगा तो वहां पे एक दूसरे कॉस थीटा एंट्री करेगा, बट प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, आप वहां पर कॉस थीटा एंट्री कर भी सकते हैं। हम एक नॉर्मल केस को कंसिडर कर रहे हैं कि कॉस थीटा कांस्टेंट है, हमें और कुछ इफेक्ट उसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट, अगर VD, हमें VD भी एक तरह से पता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये है I और VD का रिलेशन। अब ये जो चीज है, अगर हम इसे इन दोनों में, मतलब यहां से हम VD का वैल्यू निकाल के यहां बिठा दे, या फिर यहां का VD का वैल्यू यहां बिठा दे, क्या होगा, I इक्वल टू एन ई ए ई वी बाई एम एल टाउ। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको अगर हम थोड़ा
ऐसे लिखे, एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए इंटू आई, ठीक है। तो जरा सोचिए ये चीज, ये जो m है कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं होने वाला, n ये n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ई स्क्वायर, अब e भी कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। ये टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को वो है ये, और इसका जो मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन में अलग अलग होता है तो उनका जो एवरेज होता है वो है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का लेंथ है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये पूरी जो चीज है, ये पूरी जो चीज है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडक्टर के ऊपर, है ना। ये पूरी चीज जो है कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर कंडक्टर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बेसिकली ये कंडक्टर पैरामीटर्स है, कंडक्टर के पैरामीटर्स है। तो अगर हम एक फिक्स्ड कंडक्टर ले लें, एक कंडक्टर अगर हम ले लें एकदम सेटअप करके कंडक्टर ले लिया, तो उस कंडक्टर के लिए तो ये कांस्टेंट है। सोचिए हमने एक फिक्स्ड लेंथ का, फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन एरिया का एक कंडक्टर लिया है, तो उसके लिए, उस कंडक्टर के लिए ये पूरी जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है। तो अगर एक कंडक्टर हम ले, देन वी कैन से इट V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है जी, हम लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक बात हम बता दें कि कब हम ये लिख सकते हैं। तो यहां पे ये जो मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट दो चीजें हैं, N और tau, L और A तो कंडक्टर के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कंडक्टर को लेने के, मतलब हम लंबा कंडक्टर लेंगे एक छोटा कंडक्टर लेंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट ये जो tau और N है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें किसी मटेरियल में, टेम्परेचर चेंज करने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनके स्पीड भी बढ़ेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनमें स्पीड तो आएगा, हाँ वो थर्मल वेलोसिटी है पता है, बट द प्रॉब्लम इज थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ेगा ना, तो उससे होगा क्या, थर्मल वेलोसिटीज का जो इफेक्ट है वो टोटल इफेक्ट जीरो है पता है, बट अगर थर्मल वेलोसिटी ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियस को धक्का मारेंगे। अभी न्यूक्लियस को जब धक्का मारे ज्यादा जोर से तो एनर्जी कैसे चेंज होगी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, हमको ये इस चीज का पार्ट है भी नहीं, बट ये टॉपिक है कि ये चेंज होगा, ये जो टाव है रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ चेंज हो भी सकता है, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करोगे उनमें जो हलचल है वो चेंज होगी, उनका एनर्जी बढ़ेगा तो टाव तो चेंज होगा ही। तो मतलब ये जो चीज है ये एनर्जी को टेम्परेचर को डिपेंड करता है, दिस थिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर समहाउ, नहीं भी कर सकते कभी कभी। अब स्टेट किस स्टेट में है, लिक्विड में है, अगर लिक्विड होगा तो जैसे गैसियस स्टेट में है कुछ, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स या कम एटम्स होंगे तो कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक सॉलिड जो चीज होती है उसमें डेंसिटी, एटम डेंसिटी किसी पॉइंट पे किसी वॉल्यूम पे ज्यादा होती है तो तब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी। मतलब ये एन उसके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है, गैसियस है, प्लाज्मा है, किस स्टेट में है। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर में बहुत कारण से भी डिपेंड करती है, एल अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे एल चेंज हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर से चीजें बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक चीज के साइज में डिफरेंस आएगा, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ सकता है, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है, तो ये दोनों भी टेम्परेचर को डिपेंडेंट है। मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास ये टेम्परेचर
और फिजिकल स्टेट्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छी बात है, डिपेंडेंट है तो मतलब अगर टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट है, वरना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट्स आर केप्ट कॉन्स्टेंट और दे आर नॉट चेंज्ड एट ऑल, मतलब टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो उसके थ्रू करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यही है ओम्स लॉ। ठीक है, बट इसे अगर बेटर, मतलब मैं अगर कहूं तो ये वी प्रोपोर्शनल टू आई ना हो कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होना चाहिए था। क्यों, मैं बताता हूं। ये जो चीज हम लिखते हैं इसका मतलब है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब आई जैसे चेंज होगा उसके साथ साथ वी चेंज होगा, यही बात है। बट एक बात बताइए, यहां पे कॉस कौन है, वी और आई? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वी और आई में कॉज कौन है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह द कॉज इज ऑलवेज पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कभी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसी बात नहीं है करंट फ्लो होने के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर कर रहा है, असल में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए ये इक्वेशन ये होना बेटर होगा, आई प्रोपोर्शनल टू वी। कॉज ये है, मतलब पोटेंशियल के, अगर पोटेंशियल चेंज होगा तो उसके साथ साथ प्रोपोर्शनल भी करंट भी चेंज होगा, ये होना चाहिए बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ये बात तो गई। अब ये जो क्वांटिटी है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस और आर। मतलब हम जो इक्वेशन यहां पे फॉर्म कर सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, मतलब इस आर के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो करेगा। अगर आर ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, आर कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि रीजन यही है, आई के ऊपर आर डिपेंड नहीं करता और आई के ऊपर वी भी डिपेंड नहीं करता। मतलब डिपेंड, वो आप बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, डिपेंड तो करता है, आई अगर चेंज होगा वी भी चेंज होगा, वो पता है मुझे। बट ओरिजिनल सिनेरियो में अगर आप देखें तो आई के चेंज होने से असल में वी चेंज नहीं हो रहा है, वी के चेंज होने से आई चेंज हो रहा है। तो वी और आर इनके ऊपर डिपेंड करते हैं आई, तो आई डिपेंड करता है वी और आर के ऊपर, इसलिए इक्वेशन ऐसा होना चाहिए था जहां पे आर इक्वल्स टू है एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। जी है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये जो चीज है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमने कहा था मटेरियल के ऊपर। ठीक है, ये जो चीज है बेसिकली डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। तो जैसे ये चीज मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है तो ये दोनों मटेरियल के ऊपर नहीं डिपेंड करते, तो ये एक मटेरियल पैरामीटर है, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। तब रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, सोचो अगर हम L को 1 और A को 1 कर दें, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 और लेंथ भी 1। अगर ऐसे हम किसी कंडक्टर को ले आए, ऐसा एक एग्जांपल है एक क्यूब, अगर एक यूनिट साइड वाला क्यूब जिसके हर साइड का जो लेंथ है वो 1 है, ऐसे क्यूब को अगर हम ले ले किसी भी मटेरियल के, तो उस क्यूब के दो साइड्स में, दो ऑपोजिट साइड्स में, मतलब समझ लो ये एक क्यूब है, इसके ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड, इन दोनों साइड्स के अंदर, मतलब इस दोनों साइड्स के हिसाब से रेजिस्टेंस, मतलब यहां से अगर इन दोनों साइड्स के बीच में अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस हम
फ्रेम करें और इनमें अगर आई करंट पास हो इनके अंदर से तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो है वी बाई आई, ठीक है। तो ये इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर ऐसे किसी क्यूब का जिसका लेंथ भी वन है और मतलब हर साइड वन है तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है रो, क्योंकि एल और ए अगर वन हो जाए तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो। रो क्या होता है? रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिफाइन करते हैं, और रो से डिफाइन नहीं, रो से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी। तो आर इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू रो, मतलब तो ये है डेफिनेशन कि अगर किसी मटेरियल के मटेरियल का एक यूनिट साइड वाला क्यूब हम ले ली और उसके एक दो ऑपोजिट साइड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी। पहले हमने बोला था रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर, कंडक्टर के साइज या उसके शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी। अब इसके साथ हम एक चीज कर सकते हैं जिसे जो हम ओहम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं इससे, क्योंकि हमने कहा कि स्केलर फॉर्म तो है, आपका वेक्टर कहां से आएगा? स्केलर तो हो गया, लॉ का वेक्टर कहां से आएगा? वेक्टर तो है नहीं, वी और आई तो दोनों स्केलर है। बट एक बात हमें पता है कि v दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट है। कैसे? डॉट l, ये बात सच है ना, ये डॉट l है और जो i है वो है j डॉट a, सॉरी डॉट a। हम यहां पे इंटीग्रेशन नहीं डाल रहे हैं, उतने कॉम्प्लेक्स में जिसको नहीं लेके जा रहे हैं। तो ये तो जरा सोचो कि अगर हम इसे इसी इसी जगह से लिखें, ये जो इक्वेशन है यहां से, ठीक है, तो यहां से अगर इसे लिखेंगे तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि v बाई एल इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ इन टू आई बाई ए। तो ये जो हमने देखा था यहां पे क्या था, सरफेस के साथ करंट परपेंडिकुलर था, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? तब हम जे और करंट डेंसिटी, और ये क्या है तब ई। तो हमें क्या मिल गया, ई इक्वल टू, अब ये क्या है, एम बाई एन स्क्वायर टाउ क्या है, रेजिस्टिविटी। तो ई इक्वल टू रो जे। तो याद बताओगी करंट जिस तरफ होता है जे की डायरेक्शन उसी तरफ होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू रो जे वेक्टर। जे को स्मॉल जे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं कैपिटल जे भी लिखा जाता है, वो डिपेंड करता है। तो ये जो लिखा है ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, ई वेक्टर इक्वल टू रो जे वेक्टर। और एक तरह से भी लिखा जाता है जिसे कहा जाता है ये, अगर हम जे वेक्टर इक्वल टू वन बाई रो इन टू ई वेक्टर लिखे, ठीक है, क्योंकि यही ओरिजिनल फॉर्म था। हम यहां पर जो लिख रहे हैं ये क्या है, यहां पर ये कॉज है, ये असल में कॉज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस और ई एक साथ ऑकर कर रहे हैं और इनकी वजह से करंट ऑकर कर रहा है। तो जो करंट डेंसिटी है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब ये है कॉज, इसीलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं जे वेक्टर इक्वल टू वन बाई रो ई। और ये जो वन बाई रो है इसे कहा जाता है कंडक्टिविटी, और इसे लिखा जाता है सिग्मा से। तो तब ये इक्वेशन बनता है जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ये है प्रॉपर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में वो भी वेक्टर फॉर्म है उससे हम लिख सकते हैं, बट अगर प्रॉपर फॉर्म कहा जाए तो वो ये है प्रॉपर वेक्टर फॉर्म और ये है प्रॉपर ओहम्स लॉ का फॉर्म, आई इक्वल वी बाई आर और जे इक्वल टू सिग्मा डॉट ई। बहुत लोग बहुत जगह इसे v इक्वल टू आई आर से ही लिखते हैं, बहुत जगह लिखा भी जाता है, बट प्रोबेबली ये गलत होगा अगर हम मैथमेटिकल आइडिया से ठीक से लिखे या फिर फिजिकल कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये है ओहम्स लॉ की जो बातें बोलनी थी, और कुछ ओहम्स लॉ पे है नहीं। अब अगले वीडियोज में हम रेजिस्टिविटी के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है, मतलब क्या कौन कौन चीजों का इफेक्ट होता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, वो जानेंगे। और एक चीज जानेंगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो भी लग सकता है या फिर कुछ और में, कलर कोड, कैसे रजिस्टर्स के कलर कोड को जाना जाता है, कलर कोड से रजिस्टर को पहचाना जाता है।
ठीक है, अगले वीडियो में देखा मुलाकात होगी।